जो बुलडोजर से भी नहीं डरा है, 72 घंटे बाद भी फरार है, पुलिस श्रीकांत त्यागी को खोज नहीं पाई। 5 अगस्त की बात है, उत्तर प्रदेश में नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में खुद को बीजेपी नेता कहने वाला श्रीकांत त्यागी उसी सोसाइटी की महिला को गाली देता है, धमकी देता है। तेरे पति को जानते हो बढ़िया, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। ये मेरी प्रॉपर्टी से अरे हमने खरीद दिया भाई, पूरी ये है पूरी, तू मालिक है यहाँ की? श्रीकांत त्यागी सोसाइटी में अपने घर के आगे पेड़ लगाकर अवैध रूप से कब्जा करता दिखा। महिला ने विरोध जताया, इसी बात पर उसने आवाज उठाने वाली महिला को गालियां और धमकियां दी। बोला के स्टाफ को, पूरे दो पौड़ी के गाड़ देंगे, तू सेव खाते क्या? ये मेरी प्रॉमिस है। अरे हमने खरीद दिया भाई, ये है पूरी। शुक्रवार से सोमवार सुबह तक के बीच सोशल मीडिया और मीडिया में श्रीकांत त्यागी की गुंडई, गालियां, रसूख, खुद को कानून समझने वाली हनक की चर्चा इतनी हुई कि सोमवार सुबह पहले अधिकारी अवैध रूप से श्रीकांत त्यागी का अतिक्रमण जो था उसे तोड़ने पहुंचते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है जिसमें बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी जी। ये जो कंस्ट्रक्शन है मैनुअल लेबर से हो जाएगा। स्टार्ट करो यार। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर के पीछे की तरफ अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर की जरूरत अधिकारियों ने नहीं बताई, इसीलिए हथौड़ा, कुदाल, छेनी, गेती से तोड़फोड़ शुरू हुई। थोड़ी देर में फिर बुलडोजर आ गया, वही बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कानून की ताकत का पर्याय बना है। बुलडोजर ने आकर श्रीकांत त्यागी के उस अवैध निर्माण को जमींदोज करना शुरू किया जिसे गिराने के लिए अधिकारी पहले जरूरत नहीं बता रहे थे। तो क्या श्रीकांत त्यागी के कारण हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बुलडोजर लाना पड़ा? क्या बुलडोजर के सहारे ही श्रीकांत त्यागी कांड से उठते सवालों को समेटने की कोशिश हुई? योगी जी की सरकार में ये अब हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो और वैसा ही हुआ है। लेट हुए हैं, अगर ये पहले सोए हुए बंदे पहले जागते इसको हटा देते तो इतना दंगा नहीं होता। बहुत देर से हुआ है लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और इससे ये प्रूव होते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। श्रीकांत त्यागी ने महिला को गाली दी, धमकी दी और उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल गया, तो क्या ये मामला खत्म हो गया? क्या इसे सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का छोटा सा विवाद मानकर छोड़ देना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए ये सोचकर कि गाली और तनातनी महानगरों की हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले नागरिकों के बीच के सामान्य विवाद हैं? या फिर दस्तक देते हुए ये समझना चाहिए कि एक श्रीकांत त्यागी के भीतर सिस्टम को मुट्ठी में रखकर दिखाने की ताकत कैसे आ गई? एक श्रीकांत त्यागी किसके दम पर 5-5 गनर लेकर चलता था? एक श्रीकांत त्यागी किसके भरोसे सैकड़ों नागरिकों को अपने पैरों की धूल समझता रहा? एक श्रीकांत त्यागी को आखिर हनक का सिंकारा कौन पिलाता था जिससे मिली ताकत के सहारे अभी गाली देकर फरार हुआ त्यागी आगे बहुत बड़ा कांड भी कर सकता था? क्या पैसा और सियासत की पावर के कॉकटेल से कोई भी श्रीकांत त्यागी बन जाता है? श्रीकांत त्यागी को एक व्यक्ति मानकर कतई मत सोचिए। ये समस्या सत्ता, सिस्टम, पावर, पैसा, करप्शन और वोट बैंक जैसे अलग अलग कारणों से हुए गठबंधन से जन्म लेती है, फिर एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि पकड़ने के लिए पुलिस की 8-8 टीम लगानी पड़ती है और 3 दिन तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। घटना को शासन ने तथा DGP UP ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं।
हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सवाल यही सोचना जरूरी है कि नौबत ऐसी क्यों आती है जहां राजधानियों से इस बात का ऐलान करना पड़ता है कि श्रीकांत त्यागी सिस्टम से बड़ा नहीं, जबकि वक्त रहते कानून का माखौल उड़ाता कोई ना कोई श्रीकांत त्यागी हर शहर में हर समाज के भीतर नागरिकों को अपनी ताकत का घमंड दिखाकर आवाज उठाने पर कुचल देने की धमकियां देता रहता है, जैसे नोएडा की इसी सोसाइटी का श्रीकांत त्यागी था। जो काम अथॉरिटी आज कर रही है वो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर वो कार्य 2 साल पहले हो जाता अथॉरिटी के द्वारा तो आज जो इसने और पौधे बढ़ाए हैं, एनक्रोचमेंट की है, ऊपर ये वुडन वर्क कराया, ये नहीं था। नोएडा अथॉरिटी ने कभी नहीं हटाया और आप ये सोचो कि यहाँ पे हम सब निवासी इतने निराश हो गए थे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि ये बंदा जब भी सोसाइटी में आता था इसके साथ 2 पुलिस की जिप्सी, इसके बाउंसर और लोग होते थे और वो हमेशा हम लोगों को धमकाते थे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो हमारे पास, हम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपना रोज का काम करें और ऐसे लोगों के साथ मुंह मिलाएं। तो इसे सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। ये ऑड आवर्स में 9 बजे के बाद गार्ड को धमका के डरा के जिम खुलवाते थे। पुलिस साथ मिली हुई थी, उसको क्यों भगाया गया?